अगला राउंड है जैकपॉट क्विज राउंड। इस राउंड में हर कंटेस्टेंट से हम कुछ सवाल पूछेंगे, छह सवाल पूछेंगे, और छह सवाल के बदले में उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की स्कोरिंग होगी। सवाल के सही जवाब के बदले में उन्हें पॉजिटिव स्कोर मिलेगा और नेगेटिव स्कोरिंग होगी गलत जवाब के देने पर। हर कंटेस्टेंट के पास एक लाइफलाइन भी होगी। लाइफलाइन कुछ इस तरह की होगी, अगर वो उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं और वो सीधे जजेस के पास जाता है और जजेस एक सवाल उनसे पूछेंगे। शुरुआत कर लेते हैं इस राउंड की, यानी कि जैकपॉट क्विज राउंड की अब शुरुआत कर लेते हैं। और जो पहला कंटेस्टेंट जिनसे हम सवाल जवाब शुरू करेंगे वो है बलवंत। विच इंडियन स्टॉक एक्सचेंज सस्पेंडेड मोस्ट ट्रेड्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म लीडिंग टू अ मेजर क्राइसिस इन अगस्त 2013? इज इट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज? नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, यस। श्योर है? यस। और पहले ही सवाल का जवाब आपका पॉजिटिव साइड पे आता दिखाई पड़ रहा है। इस तस्वीर को पहचानिए और इस कंपनी का नाम बताइए। बहुत ही फेमस, बहुत ही कॉमन लोगो है ये। इस लोगो को पहचानिए और बताइए इस कंपनी का नाम क्या है। नो आइडिया। नो आइडिया, क्या करना चाहेंगे आप? आप इसमें अपनी लाइफलाइन यूज करेंगे या नहीं जवाब देंगे? नहीं देना चाहेंगे। नहीं देना चाहेंगे। इसी के साथ ही अभी मौका जाता है ऑडियंस के पास, क्या कोई इसका जवाब देना चाहेगा? जी डॉक्टर। विस्तारा एयरलाइंस। आपने ट्रेवल किया इससे? यस। देखा इसका लोगो? यस। चलिए सही देखा और सही जवाब है आपका, विस्तारा इज द राइट आंसर। डैश रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू मूवमेंट्स इन द जनरल लेवल ऑफ मार्केट। यहाँ डैश क्या है? नो 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 आइडिया। क्या करेंगे आप, इसका लाइफलाइन यूज करेंगे या जवाब नहीं देना चाहेंगे? नो नो, नहीं जवाब देना चाहेंगे। फिर ये ऑडियंस के पास एक मौका आता है, क्या कोई इसका जवाब देना चाहेगा? इसका आंसर है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क इज द राइट आंसर। मार्केट रिस्क इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू मूवमेंट्स इन द जनरल लेवल ऑफ मार्केट। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, ये थोड़ा ज्यादा टफ सवाल है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा, लेंथी सवाल होगा ये। दिस ब्रांड हैज इंस्टॉल्ड 5 फोन बूथ इन दुबई कंस्ट्रक्शन कैंप्स। दीज बूथ एक्सेप्ट इट्स प्रोडक्ट बॉटल कैप्स इंस्टेड ऑफ कॉइंस। माइग्रेंट वर्कर्स कुड मेक अ 3-मिनट इंटरनेशनल कॉल इन एक्सचेंज फॉर अ कैप। इस ब्रांड को पहचानिए, क्या ये पेप्सी को है, कोका कोला है, बिस्लेरी है या अमूल मस्ती है? इसे बी कोका कोला। आपने रिस्क उठाया तो आपको रिटर्न भी दिलवाते हैं, कोका कोला इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पांचवा सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो भी थोड़ा लेंथी सवाल है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। इन बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट फिमडा स्टैंड फॉर वॉट? FIMMDA क्या होता है? क्या ये फिक्स इनकम मनी मार्केट्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन है, फ्लेक्सिबल इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन है, फिक्स इन्वेस्टमेंट मनी मेथड्स एंड डेरिवेटिव एक्ट है, या फिर फिक्स्ड एक्ट फिक्स्ड इनकम मनी मेथड एंड डेरिवेटिव है? थोड़ा लेंदी है और सिमिलर साउंडिंग है, ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा बलवंत साहब। लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे। चलिए ऑडियंस में से क्या कोई इसका जवाब देना चाहेगा? राइट आंसर इज ए। ए, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन, ये इसका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। बलवंत साहब आपने अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया, तो अब जजेस के पास चलते हैं और शर्मा साहब आप कोई सवाल पूछें इनसे। Which of these below market facilitates trading in different currencies which also helps in cross border transactions? जी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स, मनी मार्केट्स एंड बॉन्ड मार्केट्स। ऐसे बॉन्ड मार्केट डी। इसका जो सही जवाब है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेम द इंडेक्स दैट इंडिकेट्स मंथली चेंज इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन इंडिया। IIP। श्योर हैं आप? यस। इसी के साथ ही IIP इसका सही जवाब, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इसका राइट आंसर है। अगले कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं, यानी कि संदीप आप हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं जिनकी तरफ अब हम जाएंगे और छह सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पहला सवाल, डैश इज द सेंसिटिविटी टू प्राइस चेंज। वो डैश क्या है, आप भरेंगे, बताइए संदीप आपका जवाब क्या है? डेल्टा। डेल्टा, आप श्योर हैं? यस सर। दिया बिल्कुल सही जवाब दिया, डेल्टा इज द थिंग व्हाट यू हैव टू फिल इन दैट डैश। द डिफरेंस बिटवीन द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन एंड इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज इट्स टाइम वैल्यू, ऑप्शन वैल्यू, इन द मनी ऑप्शन वैल्यू, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन वैल्यू। क्या करना चाहेंगे? टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू इज द राइट आंसर। इस शख्सियत को पहचानिए जिसने सेंसेक्स वर्ड को सबसे पहले क्वाइन किया था, यानी कि इस इंसान ने सेंसेक्स वर्ड बोला था या फिर क्वाइन किया था सबसे पहले, वो शख्सियत कौन है? नॉट श्योर, माइट बी मिस्टर दमानी, डोंट नो हिज फुल नेम। लेकिन सर वो जवाब हो जाएगा आपका, आप जो भी बोलेंगे। सर आई वांट टू टेक हेल्पलाइन। हेल्पलाइन लेना, मतलब आप लाइफलाइन यूज करना चाहेंगे? यस सर। आप इसका जवाब वैसे नहीं दे रहे लेकिन लाइफलाइन इस्तेमाल। लाइफलाइन, एग्री? ऑडियंस में क्या कोई इसका जवाब देना चाहेगा? चलिए मैं ही जवाब दे देता हूँ, ये है दीपक मोहनी ऑफ ट्रेंड वॉच, जिन्होंने ये टर्म को क्वाइन किया है। एक माने जाने तकनीकी विशेषज्ञ हैं, बाजार को बहुत अच्छे समझते भी हैं और
बहुत लोग फॉलो भी करते हैं। चलिए अब हेल्पलाइन की बात हुई तो मिस्टर शाह आप सवाल पूछे अगला। काफी आसान सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDBI? IDBI हर चौराहे पे आजकल दिख जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन नहीं मिलेंगे सर अब आपको। सवाल मिल गया, बताइए जवाब इसका। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बिना ऑप्शन के? आपने बोला बिना ऑप्शन के। कोई वर्ड आपको लगता है तो चेंज करना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। तो 5 पॉइंट आपके और खेमे में आते हुए और लाइफलाइन का सवाल यहाँ पे आपने सही किया। कैश मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन मूवमेंट ऑफ इंडेक्स टू द मूवमेंट ऑफ स्टॉक। इंडेक्स के मूवमेंट और स्टॉक के मूवमेंट में रिलेशनशिप को ये निर्धारित करता है या फिर इसे कैलकुलेट करता है। ये जो टर्म डैश की जगह है ये क्या है? वोलेटिलिटी इंडेक्स। विक्स। विक्स। जिसका सही जवाब है वो है बीटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और आपका ये डैश आधारित सवाल है। द डैश ऑफ एन ऑप्शन डिक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग पेस एज इट कम्स क्लोजर टू मैच्योरिटी। क्या जवाब होगा ये आप बताएंगे संदीप? टाइम वैल्यू। गेस कर रहे हैं? श्योर है? श्योर। चलिए आप जो भी है लेकिन बिल्कुल सही है। टाइम वैल्यू इज द राइट आंसर। टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन डिक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग पेस एज इट कम्स टू क्लोजर टू maturity. This picture was tweeted on 7th Feb 2017 with the following message: Virat Kohli becomes the second Indian cricketer after Sachin Tendulkar to shine on the front cover of Wisdom, world famous sports book. किसने ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया था? वो तस्वीर आपको दिखाई जाएगी। इस तस्वीर को देख के पहचानिए कि किसने अपने ट्विटर हैंडल से इस चीज को ट्वीट किया था। No answer. आपसे जवाब नहीं देना चाहेंगे? No sir. क्या कोई जवाब देना चाहेगा? मान्यवर वो ब्रांड है जो कि विराट कोहली को स्पॉन्सर भी करता है और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो विराट कोहली जिस पोस्टर में खड़े हैं यही उनका इसमें एक पोस्टर भी है, उसका पोस्टर बॉय भी है। अगले कंटेस्टेंट तो चलते हैं। उज्जवल आप तैयार हैं? शुरुआत करें आपके अगले जो सवाल है उनके लिए। विच इन द बिलो लिस्ट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट शारिया कंप्लेंट इंडेक्स। क्या वो BSE है? क्या वो NSE है? क्या वो CSE है? क्या वो M6SX है? क्या जवाब होगा आपका उज्जवल जी आप बताएं? कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। आप श्योर हैं? श्योर हैं? सही जवाब है वो है BSE। स्ट्राइक प्राइस ऑफ एन ऑप्शन मींस प्राइस एट विच ऑप्शन कैन बी बॉट और सोल्ड, प्राइस एट विच अंडरलाइंग शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड, प्राइस एट विच ऑप्शन ट्रेड्स इन द मार्केट प्रीमियम ऑप्शन प्रीमियम। इनमें से क्या सही जवाब होगा? प्राइस एट विच ऑप्शन कैन बी बॉट और सोल्ड। श्योर हैं आप? Yes. जो आपका सही जवाब है वो थर्ड ऑप्शन है, प्राइस एट विच अंडरलाइंग शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंज आर देयर इन इंडिया? भारत में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज हैं? 19, 22, 23, 24? नो आइडिया। क्या जवाब देना चाहेंगे आप इसका? लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे या जवाब ही नहीं देंगे? जवाब नहीं देंगे। ऑडियंस में 23 आंसर। 23? श्योर है? गेस कर रहे हैं? श्योर। चलिए सही है आप, बिल्कुल 23 ही सही जवाब है। अगला सवाल ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। जब किसी भी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी मार्केट प्राइस से ज्यादा होती है तो वो शेयर क्या होता है? वो ओवर वैल्यूड होता है, अंडर वैल्यूड होता है या इनमें से कुछ भी नहीं होता? ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड? श्योर है आप? अब तक आपने नेगेटिव स्कोरिंग के साथ शुरुआत की थी, 2 बार नेगेटिव स्कोरिंग, 1 बार आपने जवाब नहीं दिया और 4th सवाल का जवाब भी गलत है, तो एक और नेगेटिव स्कोर आपकी साइड जाता हुआ। इसका सही जवाब इज अंडर वैल्यूड। अगले तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये तस्वीर बहुत आम है, आपने इसे देखा भी होगा कई बारी। इस तस्वीर को देखिएगा, पहचानिएगा और बताइएगा कि ये तस्वीर किस कंपनी का लोगो है। बहुत सारे लोगों को इसका जवाब आता भी होगा, ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। उज्जवल साहब तस्वीर आपके सामने है, बहुत आसान तस्वीर है। विप्रो। विप्रो? विप्रो। श्योर है इसमें तो? चलिए विप्रो इज द राइट आंसर। बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद IPO, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, राइट इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट। इनमें से कौन से टर्म से ये एसोसिएट करता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस? चलिए कोई ऑडियंस में से जवाब देना चाहेगा? ए राइट आंसर, IPO। ए IPO? Yes. तो जवाब दिया बिल्कुल सही है, IPO इज द राइट आंसर। अगले कंटेस्टेंट की तरफ चलते हैं कि अमित अब आपकी बारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन? क्या वो फाइनेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, पेंशन फंड हैं या फिर क्रेडिट यूनियन है? आपका जवाब क्या होगा अमित आप बताएं? सर ए। ए फाइनेंस कंपनीज। गलत जवाब था ये आपका, क्रेडिट यूनियन इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच इन द लिस्ट इज इनकरेक्ट फॉर स्टॉक बोनस? बोनस में इनमें से क्या नहीं होता है? इंक्रीज द लिक्विडिटी, फेस वैल्यू डिक्रीज बेस्ड ऑन बोनस रेशियो, शेयर प्राइस डिक्रीज बेस्ड ऑन बोनस रेशियो, इंक्रीज इक्विटी कैपिटल। सर ए। ए इंक्रीज द लिक्विडिटी। आप श्योर है? लेकिन सर गलत है, फेस वैल्यू कभी घटती नहीं है बोनस में, स्प्लिट में घटती है, बोनस में फेस वैल्यू उतनी ही रहती है।
अमित जी, आपका अगला सवाल जो है डैश आधारित है और उस डैश को आपको पूरा करना है. When price falls and open interest rises, it is a sign of dash. It is what? किस चीज का साइन है ये कि जब कीमतें गिरती हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है तो किस चीज का साइन है ये डैश क्या होगा? आपके पास एक लाइफलाइन है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. आप इसका जवाब नहीं भी दे सकते, लाइफलाइन लेंगे. चलिए, क्या कोई ऑडियंस में इसका जवाब देना चाहेगा? सर, नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट. नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट का मतलब कल के मुकाबले ओपन इंटरेस्ट फॉल कर रहा है. चलिए, मैं बहुत सारी चीज़ें तो आपके जवाब में से नहीं कलेक्ट करता हूँ, लेकिन हाँ, नेगेटिव जरूर कलेक्ट कर लेता हूँ. नेगेटिव इज द आंसर विच यू आर लुकिंग फॉर. नेगेटिव साइन है ये. तो आपकी तरफ से क्योंकि आपने लाइफ लाइन का इस्तेमाल किया है, तो अब हर्ष, आप इनसे अगला सवाल पूछें. कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल स्टेट्स दैट प्राइस ऑफ फ्यूचर इक्वल्स टू डैश प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी. स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी. श्योर हैं आप? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है. जो अगला सवाल है वो एक लोगो आधारित है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी. लोगो को पहचानिए और बताइए किस कंपनी का ये लोगो है. नो आइडिया सर. नो आइडिया. क्या कोई ऑडियंस में जवाब देगा? येलो पेजेस. येलो पेजेस. या आपने इस्तेमाल किया इसका? या सही इस्तेमाल किया, सही जवाब भी है. येलो पेजेस द राइट आंसर. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. पोर्टफोलियोज विद बीटा लेस देन 1 आर डैश पोर्टफोलियो. ये डैश क्या है ये अमित, आप भरेंगे, बताइए. लो रिस्क पोर्टफोलियो. लो रिस्क. कोई और शब्द सिमिलर साउंडिंग जो आप दे सकते हैं उसके लिए? बहुत हद तक आप बिल्कुल सही हैं, आपका जो मीनिंग है वो सही है, लेकिन उस शब्द के हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, शब्द हम जानना चाह रहे हैं आपसे जो यहाँ पर भरा जा सकता है. नहीं, जजेस क्या कहते हैं, इनको इस देना चाहिए ना? इनका कॉन्सेप्ट एक्चुअली राइट था. सो वेदर ही गेट्स द वर्ड कंजर्वेटिव और नो. जी, तो ये हर्ष ने आपको बता दिया वो शब्द कंजर्वेटिव, वो शब्द जिसे हम तलाश रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने जो मीनिंग है वो बिल्कुल सही दिया, इसलिए आपको 5 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. तो ये सही जवाब आपका, आपके लिए है. और इसी के साथ ही जो आपका आखिरी सवाल है वो एक ऑप्शन बेस्ड है, तो ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा. विच वॉज द कंपनी टू बी लिस्टेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज? सिटी ग्रुप, फोर्ड मोटर, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, जनरल इलेक्ट्रिक. ये फोर्ड मोटर होगा. इनमें से कौन सा सही जवाब आपको लगता है? क्या वो सिटी ग्रुप है, फोर्ड मोटर है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, या फिर जनरल इलेक्ट्रिक है? नो आइडिया सर. नो आइडिया. आप इसको नहीं जवाब देना चाहेंगे या रिस्क लेना चाहेंगे? नहीं सर, नहीं जवाब देना चाहेंगे. ऑडियंस में? सर, इज डी, जनरल इलेक्ट्रिक. जनरल इलेक्ट्रिक. यस. आपने पढ़ा है, गेस कर रहे हैं? नो. गेस रहे हैं? पढ़ा है. पढ़ा है जी. सर, गलत पढ़ा है. इसका सही जवाब जो है वो है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क. ये इसका राइट आंसर है. सभी कंटेस्टेंट से जो 6-6 सवाल है वो पूरे हो चुके हैं.